ग्रामपुरी, बार बार उसी नंबर पे फोन आ रहा है। अपुन को लगता है कोई हमारी फिरकी ले रहा है बाप। लेकिन अपुन मिलके ना उसी को वापिस एड़ा बना लेते है। हेलो हेलो सुपारी रामपुरी, तब से फोन कर रहे लाऊं और बताता हूँ कि रंगा हूँ और तुम लोग फोन काट रहे ले। ए, कसम सान पाड़ा की अपनू जाते ना फालतू का मजाक नहीं करना, समझा? सॉरी बॉस, अपुन की गलती से मिस्टेक हो गया है। बॉस आप अपना एड्रेस भेजो, अपन उधर आ रहे ला है। अभी एड्रेस का मैसेज भेजता हूँ तेरे को, कसम यारी रोड की इस बार है ना बहुत लंबा हाथ मारे लाए। तुम दोनों फटाफट इधर आ जाओ, तीनों मिलके सामान ठिकाने लगा देते क्या? समझ गए बॉस, आप अपना एड्रेस भेजो, अपन आपको ठिकाने लगाने आ रहे हैं। क्या रे? नहीं बॉस, आप उधर आ रहे लाए। हाँ फटाफट आओ। बल्लू जल्दी कुछ कर, माना उठना भाग ना माना। अपना मुंह और थोड़ा हिलाइए ना ताकि हमारा वो गेम बाहर आ जाए। मानव क्या बोल रहा है? हाँ। थैंक यू पक्षी जी, थैंक यू। मानव जल्दी अपना दाव खेल, तेरी बारी है जल्दी मानव। अगला खेल होगा वहाँ बर्फीली सफेद चादर बिछी है जहाँ। ये कौन सी जगह है? मुझे क्या पता। रामपुरी, ये नकली रंगा ने अपुन को यही एड्रेस भेजा था ना? अपने सोचा था कि कोई अड्डा बिड्डा होगा। हाँ पर ये तो किसी का घर है, बोले तो उसने हम लोगों को गलत एड्रेस पे भेज के डेरा बना लिया है। हाँ बिड़ू, ए सुपारी रामपुरी अपुन इधर है। कमाल हुआ, ये तो फोटू अपुन के रंगा बॉस की तरह लग रहा है। आप लोग खाली दाढ़ी का फर्क है, बोले तो इसको दाढ़ी लगा डाला तो सामने वाला रंगा बॉस जिंगल आला। ये क्या एक दूसरे की कान पट्टी में बात कर रहे हैं? मेरा कसम खासी मीरा की चोरी का सामान अंदर है, अंदर आके ले लो। आओ आओ चलो चलो सामान नहीं तेरे को पैक करेंगे अपुन लोग, फोन कर करके कर करके दिमाग का दही का डाला है। कसम मरीन ड्राइव के नाइकी। क्या? अरे कसम मरीन ड्राइव के नाइकी, अरे अपुन ही रंगा है और ये दाढ़ी इन घर वालों ने निकाली, आज इन घर वालों ने और आज ये पागल ने। अपुन को तू अभी पागल बना ले है, लेकिन हम तेरी हालत ऐसा करेगा कि तू आज के बाद किसी को फोन करने के लायक नहीं रहेगा। ओ
रंगा का तो पता नहीं, लेकिन अपुन से कभी पंगा मत लेना। चल रामपुरी, अब तू हिलता रहा। भाग ले बिड़ू, भाग ले। इसका मतलब ये बापूजी नहीं, ये रंगा है। अगर ये बापूजी होते तो कभी ऐसा झूठ नहीं बोलते कि मैं रंगा हूँ। अरे बाप रे, मतलब जो हथकड़ी पहनकर आए थे वो बापूजी थे। हमने खामखा बेचारे बापूजी को पीट डाला। लेकिन महेश, अब इस रंगा का क्या करेंगे? स्मिता, सबसे पहले हम इस रंगा को पकड़ेंगे, उसके बाद बापूजी को ढूंढेंगे। भिड़ो, ये रंगा ना सॉलिड छाना निकला, इसको फुटाने के लिए अपन को भी कोई सॉलिड आइडिया ढूंढना पड़ेगा। हाँ माँ, सॉरी सॉरी, मुझे लगा के उसके जैसा होकर बोलेंगे तो शायद हम भी कुछ सोच पाएंगे ना। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। चिट्ठी भी नहीं मिली जिसे हमें पता चलता है कि हमारा ये गेम कहाँ पे है। चिट्ठी, चिट्ठी आ गई। बलू जल्दी से पढ़ना। हाँ बलू जल्दी पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। चिल्लाना मत यहाँ, वरना आएगा बर्फ का तूफान। तब आना हो मेरे पास तो सूखे पेड़ की मदद से उतरना गहरी ढलान। तुझे कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा। तुझे हर बात थोड़ी थोड़ी क्यों समझ में आती है? इसके पीछे साइंस है। मैं बल्लू के साथ बल्लू भी हूँ ना। वाह, व्हाट अ साइंस। हाँ मैंने तुझे पीट दूंगी। अरे बैल बल्लू रुको, रुको, रुको। मानव तो चिल्ला क्यों रहा है? पहले मैं बोला था मैं चिल्लाना नहीं है। अरे चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूँ? ध्यान से देखो, तुम्हारे आगे खाई है। थैंक यू मानव। और तू मुझे बोल रही है कि चिल्ला मत, और तू खुद ही चिल्ला रही है। क्या झूठ बोलता है? मैं कल चिल्ला रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, अभी तो नहीं चिल्ला रही थी। भागने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम इस बर्फ पर नहीं भाग सकते, और वो उतना तेज है कि हम उससे तेज भी नहीं भाग सकते। हमें कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। दूसरा उपाय? पहले में लिखा था, तब आना हो मेरे पास तो सूखे पेड़ की मदद से उतरना गहरे ढलान। वो रहा सूखा पेड़। चलो चलो। रुको 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 रुको। मानो मैं, तुम दोनों इस लकड़ी के टुकड़े पर बैठ जाओ। जाओ जल्दी। पक्का? पक्का। हाँ हाँ पक्का, जल्दी। मानो धक्का दो। We'll be right back.
मालूम है हमें और तेज करना वरना हम इस तूफान की चपेट में आ जाएंगे। चलो पहले ये दाढ़ी चिपक गई, फिर ये हथकड़ी गले बढ़ गई। बस ये हथकड़ी खुल जाए, दाढ़ी निकल जाए तो आज का भुनमुस दिन खत्म हो जाए। चलो हथकड़ी तो निकल गई, अब ये दाढ़ी बची और आज का आधा दिन बचा। लेकिन मुझ में मार खाने का दम नहीं बचा है। ये भगवान मुझे बचा लेना। ओहो अरे बाप रे, जहां देखो वहां रंगा का पोस्टर है। ये दाढ़ी के साथ अगर यहां से निकलूंगा तो लोग मुझे रंगा ही समझेंगे, फिर से मारेंगे। नहीं नहीं, कैसे भी करके इस दाढ़ी से छुटकारा करवाता हूं। यहां से जाता हूं। मिल गया रास्ता, सबसे पहले दाढ़ी कटवा लेता हूं। लो दाढ़ी गई और मेरे जीवन से रंगा भी गया। अभी घर चलता हूँ, अब घर वाले मुझे रंगा समझकर मारेंगे नहीं। चलो अरे रामपुरी सुपारी, ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? लेकिन अभी तो मेरी दाढ़ी नहीं, तो ये लोग मुझे रंगा नहीं समझेंगे। अब इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। देखा रामपुरी, ये कितना टशन दिखा रहा है डुप्लीकेट। अपन ने इसको इतना धोया फिर भी इसका अकल ठिकाने नहीं आया, अब फिर हमारे सामने आके खड़ा हो गया है। देखो अपन अभी दोनों मिलके इसको फाइनल खर्चा पानी देते है। ए डुप्लीकेट, तेरे को बोला था ना अपन के सामने दोबारा नहीं आने का। हाँ मुझे बोला था। भूल गया क्या? या मतलब कुछ याद ही नहीं है तो भूलना कैसा? अभी याद नहीं आ रहा है। चल अपुन दोनों याद दिला दे। याद दिलाओ। आया यार? नहीं आया। अब आया? नहीं आया। अब आया? नहीं आया। मैंने बहुत मार खा लिया, अब मैं मार खाऊंगा नहीं, तुम दोनों को मारूंगा। चलते मालूम है वो देखो बर्फ का आदमी यानी स्नोमैन। बर्फीले कांटों से देगी राहत एक शीशे सी पतली राह, जहां करने सहायता तुम्हारी मिलूंगी मैं वहां। बल्लू तुझे कुछ समझ में आया? थोड़ा। हाँ
थोड़ा थोड़ा ना, यही ना लल्लू कहीं का। चलो आगे चलते। अभी शीशे जैसी पतली ना कौन सी है? मुझे लगता है बर्फ से बना हो कि रास्ता होगा। मानो मेरे सवाल के। लगता है यही है वो शीशे जैसे पतली रहा, और वो देखो बर्फीले कांटे कितने नोकीले। अब इसी मार्ग पे आगे बढ़ के हम उस गेम तक पहुंचेंगे। लेकिन बलू, ये बर्फ का रास्ता बहुत ही पतला है, ये तो हमारे बाहर से टूट जाएगा। नहीं टूटेगी मैडम, अगर हम धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ेंगे तो ये नहीं टूटेगी। और अगर ये टूटी तो फिर हम लोग सीधा इन बर्फीले कांटों पे गिरेंगे। अरे मानो मेहर, तुम दोनों ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर हम हिम्मत और सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे तो हम इस मार्ग को जरूर पार कर पाएंगे। मानो अरे मेहर आराम से। अरे बल्लू, ये तो बहुत स्लिप हो रहा है। मानो हमें संभाल के आगे बढ़ना तो होगा ही। आगे बढ़ते रहो। मैंने कहा ना मत पूछ लो। सॉरी बल्लू। बस अब इस खेल का अंतिम पड़ाव बाकी है, मुझे सिर्फ एक आखिरी चाल चलनी है और फिर मेरी सारी शक्तियां मुझे वापस मिल जाएगी। इस खेल को शुरू भी मैंने किया था और अब इस खेल का अंत भी मैं ही करूंगा।